मैं साजिद भाई नहीं हूँ जो बर्दाश्त कर लूंगा, याद रखना इस बात को। चुप जाओ, बल्कि उठो जाओ यहाँ से। नहीं, निकाल गाड़ी, हम चलते हैं कासिम साहब की तरफ। पता नहीं उस बदबख्त लड़की ने हमारे खिलाफ क्या क्या बात की होगी। वापस लाऊंगा मैं रमशा को यहाँ हर कीमत पर। गाड़ी निकाल। मुझे लगता है कि रमशा ने ना कुछ भी हमारे बारे में नहीं बताया, इसी वजह से हम यहाँ सुकून से बैठे हैं। अगर वो सच बता देती ना तो आप कासिम साहब से नजरें मिलाने के काबिल भी ना होते। और अगर आपको लगता है कि आप कासिम साहब के घर में अपनी मनमानी कर सकते हैं तो शौक से जाइए। वरना वहां जाने का कोई फायदा नहीं। तुम फिक्र ना करो, मैं कासिम साहब को भी देख लूंगा और रमशा को भी। लेकिन तुम याद रखना, अगर आज के बाद तुम्हारी बेटी ने इस लहजे में मुझसे बात की तो जुबान खींच लूंगा मैं उसकी। फिर गिला ना करना। ये मामू जान को घर में अदालत लगाने के बजाय उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों वो लड़की अभी भी इसी घर में बैठी हुई। इतना झूठ बोलकर, इतना सब कुछ करके वो यहां क्या कर रही है अफनान? ऐसी लड़कियां बड़ा हाथ मारने के चक्कर में होती हैं। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, एक्सपोजर मिला रहा तुम्हें, और किया क्या है उस लड़की ने? बेचारी सारा दिन एक जगह पर एक कोने में बैठी रहती, जब से यहां पर आई है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, एक चीज इधर से उधर तक नहीं की। तुम उस पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही। यही तो मसला है अफनान, वो कभी कुछ नहीं करेगी। क्योंकि उसको पता है छोटी मोटी चोरी के चक्कर में वो सबकी नजरों में नहीं आएगी कभी। Try to understand अफनान, वो बहुत चालाक है। उसने कितनी चालाकी से पहले मामू जान की हमदर्दी हासिल की, मासूम मिस्कीन बनी रही सबके सामने, और फिर उनकी खिदमतें करके उनके दिल में जगह बनाई। ये सब उसकी प्लानिंग है, मैं तुम्हें बता रही हूँ अफनान। खुदा का वास्ता है, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज बनानी छोड़ दो तुम, और तुम उससे हमदर्दी करना छोड़ दो। तुम उसकी हर वक्त इतनी हिमायत क्यों करते हो अफनान? तुमसे बहस करना बेकार। चोरों को घर में रखा हुआ, मामू जान आपका सूप रेडी हो गया है, मैं रूम में ले जाऊं? अलीजे,
मैं लिविंग रूम में बैठा हूँ, अफशी आए तो उसको तुम बता देना, ठीक है? जी मामजान, वो अपॉइंटमेंट ले लिया था डॉक्टर से आपका, मैं अकेडमी से आ जाऊँ उसके बाद आपको ले जाऊँगी। लीजिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अभी निकलता हूँ तो डॉक्टर से होता ही आऊँगा, ठीक है? जी फाइल लेकर आती हूँ। अरीजे मेरी फाइल रखी हुई है साइड टेबल पे, तुम ले आओ। आप गाड़ी में वेट करें, मैं लेकर आती हूँ। देखो रमशा, मैंने तुम पे यकीन किया, तो अपनी बेटी की तरह समझा, जैसे मैं लीजिए को समझता हूँ, लेकिन तुमने, तुम मुझसे तो सच कह सकती थी, वो सच जो तुम किसी से नहीं कह सकी। आज ये तुम्हारा सर नदामत से झुका हुआ नहीं है, मेरा सर झुका हुआ। उस मोहब्बत के हिस्से में जिल्लत आई है जो मैंने तुमसे की एक बेटी समझकर। उस बाप के हिस्से में ये जिल्लत आई जिसने सोचा था कि उसकी बेटी उसका सर कभी शर्म से झुकने नहीं देगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कासिम साहब किस हैसियत में रमशा को अपने घर में रख सकते हैं। क्या लगती है रमशा, उनकी रिश्ता क्या है? रमशा बता रही थी कि उन्होंने उसको अपनी बेटी बनाया हुआ है। बस 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 बस, रहने दो तुम। बेटी कहने से कोई बेटी बन नहीं जाती। आजकल का माहौल जो है वो ऐसा नहीं है। अब इंसान की नियतों को क्या भरोसा? कासिम साहब के घर का माहौल और उनकी नियत इस घर से बहुत बेहतर है।